Hello dear students, good morning to all of you. Today we are going to study chapter 8 everyday science. Understand? Everyday science मतलब कि जो दिन प्रतिदिन जो हमारे दिन मतलब कि जो हमारे रोज जो घटती है साइंस कि हम जो भी कुछ करते हैं रोज उसमें कुछ ना कुछ साइंस होती है. तो उसमें कैसी साइंस होती है, क्या होती है, उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे कुछ चैप्टर की मदद से. अंडरस्टैंड? फर्स्ट देखते हैं क्या है. व्हाई डू कैटल्स बिकम इनक्रस्टेड विद लाइम इनसाइड, बोला है क्या. केटल जो होता है, केटल में जो होता है लाइम का परत क्यों बन जाता है उसके अंदर, किस कारण से. बिकॉज लाइम इन वाटर इज डिपोजिटेड व्हेन द वाटर बॉइल्स, क्योंकि जो लाइम होता है, जो लाइम होता है जब उसको बॉयल किया जाता है वाटर को तो वो क्या होता है, डिपॉजिट कर जाता है, मतलब लेयर पे जम जाता है नीचे में. देयरफॉर केटल विच हैज़ बीन यूज फॉर सम टाइम गेट्स लाइम विद इट, इस कारण से केटल को जब भी हम यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें जमते चला जाता है, ठीक है ना. सेकेंड क्या है. व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप व्हेन वन मूव्स विद थिन स्विच, ठीक है ना. मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वह क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है जब स्विच को ऑन किया जाता है तो, ठीक है ना. तो देखिए क्या होता है, जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं द स्विच अलाउज द करेंट टू पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विच बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट्स ग्लोइंग. अंडरस्टैंड? तो क्या होता है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, जब भी हम स्विच ऑन करते हैं किसी बल्ब का तो क्या होता है, उससे करंट पास करना शुरू हो जाता है. किससे करंट पास करना शुरू हो जाता है, उस वायर से करंट पास करना शुरू होता है, ठीक है. उस वायर से करंट जो पास करता है वो कहाँ तक जाता है, बल्ब के फिलामेंट तक, ठीक है. बल्ब के फिलामेंट तक जाने के बाद बल्ब जो होता है क्या होता है, उस एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, करेंट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. वो भी कैसे, तो क्या होता है, फिलामेंट जो होता है वह कॉइल किया होता है, जब वह हीट होता है ज़्यादा एनर्जी उसके पास उससे थ्रू पास करेगा तो क्या होगा, वो हीट होगा, और हीट करेगा तो वो क्या होगा, ग्लो करेगा. इसी कारण से जो भी जो जब भी हम लाइट ऑन करते हैं तो जो बल्ब जो होता है वो क्या होता है, उसका फिलामेंट जो होता है हीट होता है और उसके बाद वो गर्म होकर ग्लो करने लगता है. जैसे कि आग जब जलाते हैं, आप लोग आग जलाते हैं तो देखते होंगे सबसे पहले जो होता है आग जलावन जो होता है, जब तक वो आग नहीं लग गया, वो धर नहीं लिया अच्छे से, जब वो धर ले अच्छे से तो देखिएगा उसका जो लाल होने लगता है कितना लाइट करता है वो लाइट, लाल होने के बाद तो वही हीट हुआ, उसको एनर्जी मिला पहले, उसके बाद क्या हुआ, हीट हुआ, फिर वह रेड कलर का होने लगा, पूरा लाइट ग्लो करने लगा. इसी तरह हमारा फिलामेंट भी वर्क करता है, लेकिन अब फिलामेंट वर्क ना, फिलामेंट का जो बल्ब है आज ना के बराबर यूज हो रहा है क्योंकि LED आ गए हैं, LCD आ गए हैं, बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, आ गए हैं ना, ठीक है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या है. नो एनिमल लाइफ कुड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इफ देयर वेयर नो ग्रीन प्लांट्स, वाई कह रहा है कि कोई भी एनिमल लाइफ जो होगा वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं रह पाएगा जब वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, हरे भरे पौधे नहीं होंगे. क्यों, ऐसा क्यों होगा कि जब ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे हमारे अर्थ पे, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में, तो एनिमल जो होगा सर्वाइव नहीं कर पाएगा अर्थ पे, ऐसा क्यों होता है. एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच दे गेट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, दे ऑल्सो यूज ग्रीन प्लांट्स एज देयर फूड. एनिमल जो होते हैं क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेशन, सांस लेना छोड़ना ये सब क्या है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, ठीक है ना, एक्सलेशन इनहेलेशन क्या है. तो एनिमल जो है अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, उसे ग्रीन प्लांट से मिलता है, समझे. और दे ऑल्सो यूज ग्रीन प्लांट्स एज देयर फूड फॉडर, और ये अपने भोजन के रूप में ग्रीन प्लांट्स का ही यूज़ करते हैं. जानते हैं आप लोग घर में गाय होगा, कुछ भी होगा, जो ही जानवर होंगे, गाय बकरी ये सब ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स ही प्रेफर करते हैं. तो आप लोग उसे खाना चारा में भी जो भी देते होंगे, घास देते होंगे, फूस जो भी देते होंगे ग्रीन प्लांट्स देते होंगे, कुछ भूसा भी देते होंगे, चोकर भी देते होंगे, जो मैटर है उसके बात नहीं, लेकिन मेनली जो डिपेंड करता है एनिमल्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करता है ना. और हमारे लिए सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए हम हमारे ह्यूमन के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, जो हमारे क्या करता है, हमारे वेस्ट एयर को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, कन्वर्ट करके ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है हमें. अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी शिवर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड। हम लोग क्यों सिहरने लगते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, क्यों सिहरने लगते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्या कारण है उसका। ठंड के मौसम ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कितने बच्चे होते हैं नहाने से पानी से डरने लगते हैं कि नहीं नहाएंगे ठंड लगता है ना। तो देखिए क्या कारण है कि हम जब ज़्यादा ठंड लगती है तो हम सिहरने लगते हैं। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी नीड टू वार्म अप। जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हमें क्या होती है, हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, हमें गर्म होने की ज़रूरत पड़ती है। शिवरिंग इज़ फुल ऑफ मोमेंट, शिवरिंग इज़ अ फुट ऑफ मोमेंट दैट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली एंड हेल्प्स टू प्रोड्यूस हीट। शिवरिंग होता है क्या, जिससे कि हमारा बॉडी जो होता है क्या होता है, शिवरिंग से हमारा क्या होता है, बॉडी मूवमेंट ऑटोमेटिकली करने लगता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जैसे हमारा बॉडी मूव करेगा, हमारा बॉडी इधर उधर होगा, थोड़ा शेरेगा और फिर तो क्या होगा, हमारे अंदर हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारा बॉडी क्या होगा, हीट होगा और हमारा कोल्ड थोड़ा कंट्रोल होगा। इसी कारण से ये क्या होता है, जब भी हम ज़्यादा हम ठंड फील करने लगते हैं तो हमारा बॉडी जो होता है सिहरने लगता है। सिहरने के कारण क्या होता है, हमारा बॉडी जो होता है हीट प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी जो होता है गर्म हो जाता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल सफर नोज़ ब्लीडिंग एट हाई अल्टीट्यूड। पीपल लोग जो हैं जब ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो क्यों उनकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, खून गिरने लगता है, क्या कारण है इसका, समझते हैं। एट हाई अल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लो। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाते हैं या फिर ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में जाते हैं, अपना हाइट बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह कम पड़ने लगता है, ठीक है। द प्रेशर इन द बॉडी इज़ लिटिल हायर देन दैट इन आउटसाइड। इस कारण से और क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से बहुत कम हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर। हेंस द ब्लड टेंस टू ओज आउट। इस कारण से जो ब्लड जो होता है हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगता है। देखिए एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि हम जब तक किसी चीज़ को दबा के रखे हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर काम करेगा, किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ हो कहीं भी हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस पर से दबाव हटा दिए, कि जो कुछ भी रूल्स या रेगुलेशन जो भी है उसको हटा दिए, क्या करेगा वो, आपके सर के ऊपर से चलने लगेगा कि हाँ हम ही मालिक हैं, ये है वो है ना। तो ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ होता है कि जैसे ही हमारे ऊपर से प्रेशर, हमारे एटमोसफेयर से प्रेशर कम होने लगता है, हमारा बॉडी क्या करता है, वो भी अपने मन की करने लगता है, उसके अंदर तो ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा प्रेशर है, क्या करेगा उसको बाहर करेगा, फिर वही ब्लीड आउट होने लगता है हमारे नोज से, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, वायर ऑर्नामेंट्स नॉट मेड आउट ऑफ प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड जो होता है उससे जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, कुछ भी जो भी बनाए जाते हैं, क्यों नहीं बनाए जाते हैं प्योर गोल्ड से, 24 कैरेट गोल्ड जो होता है उससे। द यूनिट ऑफ वेट फॉर गोल्ड डायमंड्स एंड अदर गेम्स इज कैरी ऑन, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स। एक यूनिट जो भी गोल्ड का यूनिट जो होता है वेट करने का, गोल्ड या डायमंड्स या फिर अदर जेम्स, 1 कैरेट के रूप में लिया जाता है, जिसका 1 कैरेट की बराबर होता है 200 मिलीग्राम होता है, समझ रहे हैं ना, 200 मिलीग्राम होता है। इट इज़ आल्सो अ मेज़र ऑफ द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। यह एक गोल्ड के प्योरिटी के मेज़र करने का तरीका है, ठीक है ना। गोल्ड, प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट, प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का, बट दिस इज सॉफ्ट एंड ऑर्नामेंट्स आर मेड आफ्टर, बस दिस इज सॉफ्ट एंड ऑर्नामेंट्स आर मेड आफ्टर एडिंग अ लिटिल कॉपर टू द प्योर गोल्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, प्योर गोल्ड में कुछ क्या होता है, तो फिर उसमें जो इतना सॉफ्ट होता है 24 कैरेट प्योर गोल्ड जो होता है, इस कारण से उसमें मिक्स करके कॉपर को मिलाकर क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है ताकि वह ज़्यादा दिन तक टिक सके, ठीक है। जब उसमें क्या होगा, जब मजबूत ही नहीं होगा तो गोल्ड का पहनने से या फिर गोल्ड का ऑर्नामेंट यूज करने से क्या फ़ायदा, तो उसे मजबूती के लिए उसमें मिक्स किया जाता है, कुछ भी कॉपर हो, सिल्वर हो, जो भी हो,
जैसा उसमें यूज़ है उस हिसाब से उसमें मिक्स किया जाता है ताकि उसमें क्या बने रहे, थोड़ा स्ट्रांग रहे, सही है ना। तो इतनी महंगी चीज़ पहनेंगे और फिर वह चलेगा ही नहीं, इतनी स्ट्रांग ही नहीं होगा, तो क्या क्या ज़रूरी हमको पहनने का, है ना। तो हमें प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट्स नहीं बनाया जाता है क्योंकि वह बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, समझ गए। और जो भी डायमंड्स, गोल्ड्स और जो भी जेम्स है उसको क्या किस यूनिट में नापा जाता है, 1 कैरेट में नापा जाता है, और जिसका 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स होते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सैंड ऑन द बीच, जो भी बीच हैं उस पर सैंड क्यों होते हैं, बालू क्यों होते हैं किनारे पे, समझ रहे हैं ना। प्लेसेस ऑफ रॉक्स आर ब्रोकन ऑफ फ्रॉम अ कोस्टल क्लिप्स एंड आर कॉन्स्टेंटली क्रस्ड बाय द वेव्स ऑफ द सी। क्या होते हैं, रॉक्स के जो पीसेस होते हैं वह टूट टूट कर कोस्टल क्लिप्स से उसकी चोटियाँ टूट टूट कर क्या होती हैं, वह नीचे आ जाती हैं समुद्र के किनारे, और वह कंस्टेंटली लगातार वह क्रस्ट होते होते सी के वेव से क्रस्ट होकर क्या होती है, वो सैंड का रूप ले लेती है। द कंस्टेंट रबिंग एंड रोलिंग ऑफ दिस पीसेस अगेंस्ट ईच अदर बाय द एक्शन ऑफ वेव्स बेक देम इंटू स्मॉलर पेबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस आर ब्रोकन इंटू एवन फाइनर पार्टिकल्स कॉन्ड सैंड। और क्या होता है, यही कंस्टेंट रबिंग, आपस में टकराना, इधर उधर भड़कना, और वही टकरा कर क्या होता है, एक दूसरे में टकरा कर यही एक्शन जो होता है वेव्स के कारण, जो होता है समुद्र के वेव्स के कारण सारे चीज़ों को एक छोटे छोटे टुकड़े पेबल्स में, पत्थर में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और बहुत सालों के बीतने के बाद क्या होता है, वह एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और वही सैंड कहलाते हैं, समझ गए। कहाँ से क्या क्यों होता है कोस्टल रीजन पे, कोस्ट बीच पे सैंड, क्योंकि जो कोस्टल क्लिप्स पर जो होते हैं वो जो भी टूटते हैं पत्थर का टुकड़ा, समझ गए ना। तो वही पत्थर जो होता है टूट टूट कर कंस्टेंटली टकरा कर आपस में टकराने के बाद वह वेव्स के कारण वह टुकड़े टुकड़े में बट कर और फिर से वह फाइन सैंड के रूप में हो जाता है। थैंक यू।